हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बबीता और मेरे चैनल टेस्टी फूड विथ बबीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने आलू गोभी के पराठे तो बहुत बनाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट, कुछ अलग और बहुत ही हेल्दी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के पराठे। जी हाँ फ्रेंड्स, पालक के पराठे जो कि हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा होने ही वाला है, साथ ही साथ टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये बहुत ही लजीज बनने वाले हैं। पालक को हम साफ़ करके पहले धो लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हमें पालक को काट लेना है। फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं उसे आप धो के ही कट करें, ताकि उसकी विटामिन कम ना हो। और हमें इसके सिर्फ पत्तियाँ नहीं लेना है, जो नीचे का मुलायम हिस्सा होता है उसे भी लेना है, हल्की से जिसे आप इसकी डंठल कह सकते हैं। और पालक के साथ ही हमें लेना है आलू, तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े साइज के आलू जिसे मैंने छील लिया है, और इसके बाद हमें दोनों को कट कर लेना है। पालक और आलू काट लेने के बाद अब इसे हम पहले पकाएंगे, तो इसके लिए यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हमें डालना है 1 छोटे चम्मच के करीब तेल। यहाँ मैं ये डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और तेल जब गर्म हो जाए तब हमें डालना है 1 छोटा चम्मच जीरा, और जीरा जब अच्छी तरह से भून जाए तब हमें इसमें ऐड करना है ये कटा हुआ पालक और आलू, और इसे ऐड करके हम चला लेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स पालक बहुत ही जल्दी गलने लगती है, लेकिन हम इसमें नमक भी साथ ही के साथ डाल देंगे, ताकि ये पालक में ताकि पालक और भी ज़्यादा पानी रिलीज़ करे और ये जले ना, और अच्छी तरह से अपने ही पानी में ये गल जाए। हमें इसमें बाहर से पानी ऐड नहीं करना है। नमक हमें डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटे चम्मच नमक। फ्रेंड्स, नमक मैं यहाँ कमी डाल रही हूँ, क्योंकि पालक जो क्वांटिटी इतनी दिख रही है, पालक गल जाती है तो ये क्वांटिटी में बहुत ही कम हो जाने वाला है, इसीलिए मैं पहले ही नमक डाल रही हूँ। तो मैं नमक कम ही डाल रही हूँ यहाँ 1 छोटे चम्मच। अगर आपको नमक समझ में ना आए शुरू में, तो आप जब पालक हल्की गल जाए उसके बाद नमक डालिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में बीच बीच में चलाते रहना है। तो देखिए, आप देख सकते होंगे कि ये पालक और आलू कितनी अच्छी तरह से गल गया है। और देखिए, अभी इसमें पानी है थोड़ा थोड़ा, तो उसे भी हम अच्छी तरह से इस तरह से दबा दबा के इसे ड्राई कर लेंगे। और साथ ही इस तरह से करने से जो आलू है वो भी हमारा मैश हो जाएगा। तो देखिए, हमें चम्मच की मदद से इस तरह से दबा के इसका पानी बहुत ही अच्छी तरह से सुखा लेना है, क्योंकि हम इसके पराठे में भरने वाली जो स्टफिंग बनाएंगे वो गीली नहीं होना चाहिए, नहीं तो पराठे हमारे जब हम स्टफ़ करेंगे और जब रोल करेंगे पराठे को, तब वो फटने लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से गल गया है, अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आलू और पालक जो है ये हमारा ठंडा हो चुका है, इसे हम एक बाउल में ले लेंगे, और इसमें हमें डालना है कटी हुई हरी धनिया, कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। हमें इसमें धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही डालना है, पराठे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और प्याज मैंने यहाँ लिया है 2 मीडियम साइज के, और साथ ही लिया है हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हो तो ज़्यादा डालिए। मैं यहाँ नॉर्मल तीखा बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने करीबन 4 हरी मिर्च डाला है इसमें। और इसके बाद हमें डालना है इसमें 1 छोटे चम्मच अजवाइन, और अजवाइन के साथ ही साथ हमें इसमें डालना है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से या हाथ से। तो चलिए पराठा को रोल करना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आटा हमें इस तरह से चाहिए, बहुत ज़्यादा आटा टाइट नहीं होना चाहिए। तो हम इसकी पहले लोई काट लेंगे, और उसके बाद लोई को आटे से डस्ट करने के बाद हम इसमें भरेंगे स्टफिंग। स्टफिंग भरने के लिए सबसे पहले हम ये लोई को बीच में से इस तरह से अंगूठे से प्रेस करते हुए हम इसे एक कटोरी का शेप दे देंगे, ताकि हम अपनी स्टफिंग इसमें भर सकें। फ्रेंड्स, आप इसको रोटी बेल के भी पराठा भर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें स्टफिंग डालेंगे ये, और स्टफिंग डालने के बाद हल्का सा हम इस पर सूखा आटा डालेंगे, ताकि हमारे हाथों पे लगे ना। और इसके बाद हम धीरे धीरे प्रेस करते हुए इसे इस तरह से भर लेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम निकाल देंगे। और इसके बाद हम इसे फिर से आटे में डस्ट करते हुए हल्का सा धीरे धीरे इसे प्रेस करेंगे, और इसे छोटा सा इस तरह से चकवा बना लेंगे, और उसके बाद हम इसे रोल करेंगे पराठा। हम इस लोई को चकले पे रख के और हाथों से धीरे धीरे पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद हम इसे बेलेंगे, ताकि इसकी स्टफिंग सब तरफ अच्छी तरह से फैल जाए।
और उसके बाद एक बार फिर से आटे में डस्ट करके हमें से पराठे को रोल कर लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें धीरे धीरे से रोल कर लेना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हमें पराठे को बेल के तैयार कर लेना है और इसके बाद हम पराठों को सेकेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने पराठों को सेकने के लिए पैन चढ़ा दिया है गैस पर और पैन हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है और इसके बाद हम इस पर डालेंगे पराठा। पराठा जब नीचे से हल्का सिक जाए तब हम इसे पलट के दूसरे साइड से घी लगाएंगे। आप फ्रेंड्स घी या बटर या तेल जो आपको पसंद है आप कुछ भी लगा सकते हैं पराठे पर। और एक तरफ घी लगाने के बाद हम पराठे को फिर से पलट के दूसरी साइड से भी घी लगा लेंगे। फ्रेंड्स पराठे को हाई टू मीडियम फ्लेम पे बनाना है। पराठे को दोनों ही साइड से हमें दबा दबा के इस तरह से अच्छी तरह से सेक लेना है। देखिए पराठा इस साइड से बन गया है और ये देखने में कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। फ्रेंड्स ये हेल्थ के लिए उतना ही हेल्दी है और खाने में तो पूछिए मत, ये बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको इसके टेस्ट का पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स आप इस पालक के पराठे की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों को भी खिलाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। फ्रेंड्स पराठे तो वो इजीली खा लेते हैं लेकिन पालक की सब्ज़ी बच्चे जल्दी नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह से उन्हें पराठे बना के भी दे सकते हैं पालक के। तो देखिए फ्रेंड्स हेल्दी और टेस्टी पराठा हमारा बनके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो आप इस पराठे को एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।